ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 80,000 रुपए से। पर यह प्राइस सिर्फ 24 अक्टूबर तक ही रहने वाली है, उसके बाद इसकी प्राइस 5,000 रुपए से बढ़ के 85,000 एक शोरूम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम ओला S1 एयर के फीचर्स, स्पेक्स, पावर आउटपुट, बैटरी, रेंज, इन सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। तो लुक वाइज ओला S1 एयर S1 और S1 प्रो जैसा ही सेम टू सेम दिखाई देता है, पर इसमें कुछ न्यू चेंजेस ऐड किए गए हैं जो कि S1 और S1 प्रो में नहीं है। जैसे कि इस स्कूटर में फ्रंट साइड में डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि S1 और S1 प्रो में सिंगल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। S1 और S1 प्रो दोनों ही स्कूटर्स में हमें हम्प देखने को मिलता है, पर S1 एयर के फ्लोर बोर्ड में ऐसा कोई भी हम्प नहीं है। इसका फ्लोर बोर्ड एकदम ही फ्लैट है, जिसके वजह से आप इस पे इजीली आपका सामान कैरी कर सकते हो। उसके बाद ओला S1 एयर का जो ग्रैब हैंडल है उसे भी डिजाइन किया गया है, जो कि इसे S1 और S1 प्रो से अलग बनाता है। ओला S1 और S1 प्रो दोनों ही स्कूटर्स में हमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, पर ओला S1 एयर में हमें किसी भी प्रकार का डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट और रियर दोनों ही साइड में हमें ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। बात करेंगे कलर ऑप्शंस की, तो S1 एयर में डुअल टोन कलर ऑप्शंस आते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन। ऐसे टोटल 5 कलर ऑप्शंस हमें ओला S1 एयर में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा इसके रियर साइड पे हमें डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि S1 और S1 प्रो दोनों ही स्कूटर्स में हमें सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता था, पर S1 एयर में हब माउंटेड मोटर मिलती है, जो कि क्लियरली हमें दिखाई देती है बाहर से, और S1 और S1 प्रो की मोटर में दिखाई नहीं देती थी। ओला S1 एयर में S1 और S1 प्रो के मुकाबले छोटी बैटरी देखने को मिलती है, 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और इसकी मोटर मैक्सिमम 4.5 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करती है। ओला S1 एयर की इस बैटरी को अगर आप होम चार्जर से चार्ज करोगे तो इसे 0-100% चार्ज होने में 4 घंटे और 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो छोटी बैटरी होने के कारण आपको इसको चार्ज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी जल्द आप इसको चार्ज कर सकते हो। बात करेंगे राइडिंग मोड्स की, तो ओला S1 एयर में हमें 3 प्रकार के राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। हाइपर मोड का ऑप्शन यहाँ पर ओला S1 एयर में अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो ओला इसकी इको मोड में रेंज क्लेम करती है 101 किलोमीटर की, पर रियल लाइफ में इसकी कितनी रेंज निकल के आती है ये तो टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा। ओला S1 एयर का वेट 99 kg है, जो कि S1 और S1 प्रो दोनों ही स्कूटर से बहुत ही कम है। बात करेंगे बूट स्पेस की, तो ओला S1 एयर में हमें 34 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, वहीं पे S1 और S1 प्रो दोनों ही स्कूटर्स में हमें 36 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। और बात करेंगे इसके टॉप स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इस स्कूटर से आप 0-40 की स्पीड 4.3 सेकंड्स में अचीव कर सकते हो, और वहीं पे 0-60 की स्पीड 9.8 सेकंड्स में अचीव कर सकते हो। बात करेंगे फीचर्स की, तो इसमें भी हमें S1 और S1 प्रो की तरह ही 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें हमें कुछ कुछ फीचर्स नहीं मिल पाते जो कि S1 और S1 प्रो में मिलते हैं, पर ये स्कूटर हमें Move OS 3 के साथ ही देखने को मिल जाएगा। ओला S1 एयर में हमें क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, पर म्यूजिक प्लेबैक, कंपेनियन ऐप, नेविगेशन, वैकेशन मोड, मल्टीपल मूड्स और प्रोफाइल्स, ये सारे फीचर्स हमें ओला की इस S1 एयर में देखने को मिल जाएंगे। और बात करेंगे इसके डिलीवरीज की, तो अकॉर्डिंग टू ओला वो इस स्कूटर की डिलीवरी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस स्कूटर में इंटरेस्टेड हो तो आप जल्द से जल्द अपने स्कूटर को रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि 2 दिनों के बाद इसकी प्राइस 5,000 रुपए से बढ़कर 85,000 रुपए एक शोरूम होने वाली है। तो ये थी ओला की S1 एयर। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये स्कूटर कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।